हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इंट्राडे कॉल्स दिए थे, तो इनमें आपको मार्केट में देखा होगा किस तरह का मूवमेंट आया था। और यहाँ पर हमारा लास्ट कॉल थे 25 नवंबर के, और यहाँ पर हमने आज के लिए तो कॉल लिए नहीं थे, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं 27 नवंबर के लिए इंट्राडे कॉल्स। और आज के लिए इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डाउट्स थे कि मार्केट में मूवमेंट किस तरह का रहने वाला है। तो वैसा ही हमको देखने को मिला था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहे थे, जहाँ पर हमने ही मार्केट में बहुत ही संभल कर ट्रेड किया था। और निफ्टी में तो एकदम कंफर्म हो चुका था कि वहाँ से गिरावट आनी ही है, क्योंकि उसने गैप अप ओपनिंग के बाद एक छोटा सा उसने लो बनाया और छोटा सा हाई बनाया, और हाई अगर वो ब्रेक करता तो ऊपर की तरफ जाता, बट उसने हाई ब्रेक ना करके नीचे का लो ब्रेक किया, और वहाँ से हमारा एक निफ्टी का कॉल बना, जहाँ पर हमने 12,100 का पुट बाय करके चले 45 से, और टारगेट लिया हमने उसका जस्ट डबल यानी कि 90 का। और उसने वैसा ही किया है कि 99.80 का उसने हाई बनाया है, यानी कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका था और हमारा पैसा डबल हो चुका था, तो वहाँ पर एकदम कंफर्म हो चुका था। तो आप भी अगर सर्विस ज्वाइन कर काम करना चाहते हैं लाइव मार्केट में मेरे साथ, तो आप सर्विस ज्वाइन कर काम करेंगे तो आपको मैं अपने चैनल पर ऐड करूँगा, और वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर ओपनिंग और डायरेक्शन बहुत ही मैटर करता है। अगर हमें एकदम करेक्ट ओपनिंग मिल जाती है, डायरेक्शन उसी मुताबिक वो पकड़ता है, उन कॉल्स में ही काम कर कर पैसा कमाया जा सकता है। तो उन कॉल्स को पाने के लिए आपको हमारी सर्विस ज्वाइन करनी होगी, और सर्विस ज्वाइन कर कर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलने लग जाएंगे प्रॉपर टारगेट और एसएल के साथ। कोई भी कॉल आपको बिना टारगेट और एसएल के नहीं मिलता है। तो गाइज, यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे 27 नवंबर के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, ये रहे हमारे 27 नवंबर के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में आप प्रॉफिट निकालने में क्यों असमर्थ रहते हैं, यानी कि क्यों फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं और जब भी हमको प्रॉफिट दिखाई देता है, हम ज़्यादा की उम्मीद करते हैं कि हमको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए, और फिर वहाँ पर हम जब ऊपर की पोजीशन हम नहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट निकल पाते हैं, छोटे से में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जहाँ हमारी लॉस की बात आती है तो वहाँ हम अपनी पोजीशंस क्रॉस ऑफ नहीं करते हैं, इसी उम्मीद में कि स्टॉक का प्राइस वापस रिकवर करेगा और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। उस चक्कर में हम अपनी जो पोजीशन है उसको क्रॉस ऑफ नहीं करते हैं, जहाँ पर हमको बड़े से बड़ा लॉसेस झेलना पड़ते हैं, हमारा कैपिटल बहुत ही जल्दी कम होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही, या फिर आपको एकदम करेक्ट कॉल नहीं मिल पा रहे हैं, या आप बीच बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, खुद पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए ये सर्विस बनाई गई है, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर सपोर्ट। क्योंकि आज बहुत ही वॉलीटाइल मार्केट था, हम भी जिस स्टॉक में काम कर रहे थे वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट में हमको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ी कई बार, और कई बार हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि पोजीशन तुरंत चेंज हो रही थी वहाँ पर, जिसमें हमें बार बार एग्जिट करना पड़ रहा था, जिस वजह से हमने अपनी जो कॉल्स हैं इतने ज़्यादा वॉलीटाइल मार्केट के अंदर हमने फिर इसको एकदम ही बंद कर दिया कि हम नेक्स्ट डे में कॉल पे काम करेंगे जब मार्केट सही होगा। तो इस तरह की अगर आपको गाइडेंस मिलती जाए तो आप मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में अपना टेलीग्राम जो चैनल है, जो सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसका जो चैनल है जिसमें लाइव मार्केट कॉल्स में लाइव कॉल्स देकर मैं काम करवाता हूँ, तो वो कॉल्स में हर वीडियो में दिखाया करता हूँ, तो उसको आप देख लेना। अभी तो वो इस पे वेब पे ओपन नहीं हो रहा है पेज, जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और मोबाइल की रिकॉर्डिंग मैं करता नहीं हूँ क्योंकि वेब पेज में थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो क्लियर दिखाई देता है, तो वेब पेज अभी खुल नहीं रहा है, तो जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो सभी कॉल्स किस तरह से कॉल्स दिए जाते हैं, अगर न्यू व्यूअर है कोई तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर्विस ज्वाइन कर कर ही आप पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज आप बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं कर पाओगे। मार्केट में आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, और यकीन ना हो तो आपने जो पिछले ट्रेडर हैं यानी कि पुराने ट्रेडर हैं उनको मालूम होगा कि किस तरह से उन्होंने झेला है अभी तक मार्केट को, और जो नए ट्रेडर हैं उनको आगे एक्सपीरियंस होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर लोग सिर्फ लॉस का एक्सपीरियंस ज़्यादा कमाते हैं और पैसा ना के बराबर ही लोग कमा पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए और पैसा कमाने के लिए मार्केट से जो लॉसेज हैं उसको रिकवर करने के लिए ही ये सर्विस है। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, सर्विस ज्वाइन करें और काम करना शुरू करें, तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इन सभी में आपको प्रॉपर बहुत ही शानदार कॉल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसमें आप ट्रेड कर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
लॉसेस हैं रिकवर कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अप स्टॉक्स में अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप हमारे साथ अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉफिट कई लोगों का ब्रोकरेज में ही चला जाता है और जो लॉसेज होते हैं उसमें भी उनकी ब्रोकरेज चली जाती है। तो ब्रोकरेज फर्म हमेशा ही प्रॉफिट में रहती है, ये उन्होंने देखा होगा। तो प्रॉफिट ही निकालो भाई, तभी आप ब्रोकरेज थोड़ी बहुत कटेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल हमेशा बढ़ाने के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो सर्विस ज्वाइन कर काम करेंगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगा। यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख लें खुद से, आपको यकीन हो जाएगा। जो भी न्यू ट्रेडर हैं उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो गाइज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सबसे पहला जो कॉल है ये है हमारा बजाज फाइनेंस का। तो गाइज आज के दिन मार्केट में बहुत सारे रिवर्सल क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और वॉलीटाइल भी रहा था मार्केट में। बहुत सारे स्टॉक्स में वॉलीटाइल थे और प्राइजेस कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे थे, तो जिस वजह से हम भी बहुत ही संभल कर ट्रेड किए। हमने टाइम टू टाइम एग्जिट करवाते रहे जिस वजह से हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकले और लॉसेस से बच कर निकल गए। ख़राब से ख़राब मार्केट में भी हम थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेकर निकलते ही, और अच्छे मार्केट में मैंने आपको कॉल्स दिखाए हुए हैं कितना शानदार कॉल्स रहते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस को हमको सेल करके चलना होगा। ये मैं स्पेशली दे रहा हूँ ताकि आप जो भी फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहता है बजाज फाइनेंस। तो जिस वजह से मैंने आपको ये दिया है कि आप कैश फ्यूचर ऑप्शन जिसमें भी ट्रेड करना चाहें उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको फॉलो करके चलें कैश मार्केट के कॉल को, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पर आप पुट बाय करें, फ्यूचर में सेल करें। यहाँ पर टारगेट अचीव होता है तो आप ऑप्शन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग करें, फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लें। तो यहाँ पर हम इसको सेल करके चलेंगे 4087 से, और हमारा टारगेट रहेगा 4046 का और एसएल हमारा रहेगा 4128 का। तो यहाँ पर टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, प्राइस बढ़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट आपका जितना रहेगा परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट सेम ही निकल कर आएगा किसी भी कॉल पर काम करके देख लें। तो गाइज ये रहा हमारा सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल में आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम स्टॉक हमने एक लिया है, तो ये IOC में भी आपको कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रही है, बहुत ही बुरी स्थिति। और इसमें 51% जो स्टॉक्स हैं यानी कि हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की, वो भी इसकी भी बोली लगने वाली है बहुत ही जल्द। तो जैसे कि BPCL में 54% की हिस्सेदारी बेची जा रही है, इसमें 51 की हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचने वाली है, इसकी भी बात हो रही है अभी। तो यहाँ पर भी हमको कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो IOC के अंदर हम सेल करके चलेंगे 128.80 से, हमारा टारगेट रहेगा 127.50 का और ऐसा हमारा रहेगा 130.1 का। तो गिरावट की वजह तो भाई अभी स्टॉक तो सारे पेट्रोलियम के गिर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई अच्छी कंपनी का नाम आता है कि जो जैसे कि सऊदी अरब को BPCL को एक्वायर करने वाली है यानी कि खरीदने वाली है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। वैसे ही अगर कोई बड़ी कंपनी इसको भी खरीदेगी तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नोट्स ही देखने को मिलेंगे हमको। और यहाँ पर थर्ड कॉल जो है हमारा वो HPCL का है, तो HPCL में भी हम सिर्फ सेल की ही पोजिशन बना के चलेंगे। 287.1 से हम इसको सेल करेंगे, 284.25 का हम टारगेट लेकर चलेंगे और 290 का हम ऐसे लेकर चलेंगे। अगर कोई न्यू ईयर है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 23 दिखाई दे रहा है, तो भाई मैं बता दूं कि आपको कि ये एक्सेल फाइल है और यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस डालना होता है, 1% का टारगेट और 1% का SL यहाँ ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो जिस वजह से आपको यहाँ पर 23 दिखाई दे रहा होगा तो इसको 25 कर लें। और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कॉल है ये है सिप्ला का। तो फार्मा स्टॉक्स में भी आज के दिन गिरावट हमको देखने को मिली है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर हम सिप्ला के अंदर सेल की पोजीशन ही पर फोकस करके चलेंगे। वैसे तो इसमें बाय भी बन सकता है अगर गैप अप ओपनिंग इसमें हो जाती है ज़्यादा, तो इसमें बाय का कॉल भी जा सकता है। बट अगर नीचे का ये लेवल आपको ब्रेक करता हुआ मिल जाता है तो आप इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो हम इसको सेल करके चलेंगे 476.60 से, हमारा टारगेट रहेगा 471.80 का और ऐसा हमारा रहेगा 481.40 का। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ कॉल है यह है ग्रासिम का। तो ग्रासिम में आप देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग, यानी कि कोई ज़्यादा गैप ओपनिंग नहीं थी इसमें, जहाँ से इसने क्लोजिंग दी थी वहीं से इसने ओपनिंग दी है। ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन पिछले टॉप को इस ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पर इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, जिस वजह से यहाँ पर हमको नेक्स्ट डे में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, उम्मीद तो है। तो यहाँ पर हम इसको सेल करके चलेंगे 784.50 से, हमारा टारगेट रहेगा 776.65 का और एसएल हमारा रहेगा 792.30 का। तो यहाँ पर बाय मिस्टेकली यहाँ पर बाय आ गया था, तो यहाँ पर मैंने इसको सेल कर दिया है, करेक्शन यहाँ पर किया जा चुका है, तो आप इसको फॉलो करके चले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा सिक्स्थ कॉल। यहाँ पर मैं आज 10 कॉल लेकर चल रहा हूँ, जितने हो सके उतने कॉल्स ले लो,
तो जिसमें भी हमको लेबर ब्रेक करता हुआ दिख जाता है, तो हम वहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसी वीडियो में आपको दे रहा हूँ, बाकी तो मैं जो फाइव कॉल आपको दिया करता हूँ तो सिर्फ वही दूंगा मैं आपको। बट आज के दिन मुझे लग रहा था कि ज़्यादा स्टॉक्स में ज़्यादा पोजीशन दिखाई दे रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको जितने भी स्टॉक्स में करना है, पिछली जो फाइव स्टॉक्स है वो सिलेक्टेड हैं, उसमें अभी आप करके चल सकते हो, और ये अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें अभी आप करके चल सकते हो। तो यहाँ पर हम रेमंड में फोकस करके चलेंगे और इसको सेल करके चलेंगे। 693.50 से हमारा टारगेट रहेगा 686.55 का, और एसएल हमारा रहेगा 700.4 का। और जो हमारा सेवन्थ कॉल है ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो स्टील सेक्टर के अंदर भी गिरावट आनी थी, यहाँ तो एकदम कन्फर्म चीज़ थी कि पिछली जो भी बढ़त रही है ये इसको पूरा खा जाने वाला था, ये एकदम कन्फर्म था। तो यहाँ पर भी हम नेक्स्ट डे के लिए भी कॉल लेके चलेंगे। 251 से हमारा टारगेट रहेगा 248.50 का, और एसएल हमारा रहेगा 253.50 का। तो गाइज़ ये चीज़ मैं आपको भी सिखा सकता हूँ कि आप एकदम कंफर्म कॉल किस तरह से निकाल सकते हैं, जिसके लिए थोड़ी सी आपको एजुकेशन के लिए फ़ीस तो देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं इसमें। बट जो चीज़ है, एक बार आप सीख गए तो आप फुल टाइम ट्रेडर बनकर खुद से ही कॉल्स निकाल सकेंगे और उस पर ट्रेड कर कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं उसमें, जिसमें मैं आपको जो भी वर्क रहता है सिर्फ होमवर्क देता हूँ, और सिर्फ पॉइंट्स सर्च करने के लिए दिए जाते हैं। अगर वो आप सर्च करना एक बार सीख गए और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, तो जैसे ही आप कैंडल्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप भी वहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल पाएंगे खुद के कॉल पर, खुद की ट्रेडिंग कर कर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं, एट्थ कॉल है हमारा भारती इंफ्राटेल का। तो भारतीय इंफ्राटेल में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमको सेल की ही पोजीशन दिखाई दे रही है, तो हम इसको सेल करके चलेंगे 231.1 से। हमारा टारगेट रहेगा 228.70 या 80 का, और एसएल हमारा रहेगा 233.4 का। तो यहाँ पर हम भारतीय इंफ्राटेल में लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर हमने भारतीय एयरटेल के अंदर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी थी जैसे इसने ओपनिंग दी थी, बस वहाँ पर मिस हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग के बाद जब तक हम उसके चार्ट पर पहुँचे वहाँ पर ओपनिंग लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दे चुका था ऑलरेडी, तो 5% की गिरावट वो ऑलरेडी दे चुका था, तो जिस वजह से हमने उसमें पोजीशन नहीं ले पाए थे। और यहाँ पर हम नाइन्थ कॉल लेंगे अपना इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। इसमें मैं आपको स्पेशल कॉल दे रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, यहाँ पर करीब 4.5% का टारगेट है, तो इस पर आप फोकस करके चलना। तो अगर इसकी ओपनिंग सही होती है, जैसे कि मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कल के दिन। तो यहाँ पर हम इसको सेल करके चलेंगे 256.80 पर। हमारा टारगेट रहेगा 245 का, और एसएल हमारा रहेगा 259.4 का। तो इस पर आप ध्यान देकर चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोमेंट रहता है इसके अंदर। और यहाँ पर हम अपना लास्ट कॉल लेके चलेंगे। तो लास्ट कॉल हमने जी ले लिया है अभी, आज तो इसमें ट्रेड नहीं कर पाए थे, पर नेक्स्ट डे पे देख कर चलेंगे। अगर लेवल ये ब्रेक कर देता है तो हमको इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है कल के दिन। तो हम इसको सेल करके चलेंगे 312.5 से। हमारा टारगेट रहेगा 309.35 का, और एसएल हमारा रहेगा 315.60 का। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर नेक्स्ट ट्रेडिंग। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो, मिस्टेक्स कम करें और सीखें ज़्यादा, और सीख कर भी कई लोग प्रॉफिट नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब से या टीवी चैनल से, टीवी चैनल वाले तो बहुत ज़्यादा उल्लू बनाते हैं, ये तो सभी को पता है, जो भी फॉलो कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से उन्हें सभी को पता होगा कि उन्होंने कितना पैसा गवाया होगा उनके आइडियाज़ पे काम कर कर। तो इन सभी चीज़ों से बचें और सही चीज़ पर आप ट्रेड करके चलें, ताकि आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएँ। और गाइस अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप अप स्टॉक्स में अकाउंट खोल लें और अपनी ब्रोकरेज बचा लें। तो गाइस यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को प्रॉफिट हो, तो यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।